इस पेपर के हम लोग 2 सेशन अभी ले चुके हैं। पहले तो हम लोग एक सेशन में बाइंड करने वाले थे और हमने आपके पहले सेशन का रिस्पांस देखकर हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन बनाया और देखा कि विद इन वन डे काफ़ी लोगों ने इसको देखा है, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, तो हमने सोचा कि अब आगे इसको बढ़ाते हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसी बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट के एक भी क्वेश्चन नहीं लिए थे, एक क्वेश्चन हम कोऑर्डिनेट का ले रहे हैं कि सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, लाइंस ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ली गई है। हमने यहाँ पर उसको कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखा भी है, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि 4 टाइम्स दियर प्रोडक्ट, स्लोप जो है m1 m2 उनका सम 4 टाइम्स है। कह रहा है कि m1 प्लस m2 इज द 4 टाइम्स m1 इंटू m2, ठीक है। तो m1 प्लस m2 हमने यहाँ पे बताया भी है कि m1 प्लस m2 हमारा -2h अपॉन b। यहाँ देखिए, अगर लाइन ऐसे कंसीडर की है ax² प्लस 2hx वाई प्लस by² 0, मतलब इसके 2 पेयर हैं, y बराबर m1x y बराबर m2x। बहुत डीप में हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये 2 ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कंबाइन कर दी गई हैं, तो उनके स्लोप का सम -2h अपॉन b और m1 m2 a अपॉन b। बाकी आप अपना डिटेल में, मैंने बोला कोई टॉपिक अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो डिटेल में आपको खुद जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू निकाली है, तो -2h मतलब 2 लेमडा अपॉन b दैट इज -7, m2 a अपॉन b, यहाँ पे a देखे 1 अपॉन -7, तो m1 प्लस m2 2 लेमडा अपॉन -7 बराबर 4 टाइम्स 1 अपॉन -7, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट गया, 2 लेमडा बराबर 4, यहाँ से इम्प्लाइज हुआ लेमडा बराबर 2। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान रखनी थी कि स्लोप का सम 4 टाइम्स, 4 गुना है उसके प्रोडक्ट से। केवल आपको यहाँ पर होमोजीनियस का सम और प्रोडक्ट का केवल आपको फॉर्मूला याद रखना था, उसको इस रिलेशन से रिलेट करना था, वैल्यू निकाल के रख देते, लैम्डा की वैल्यू आसानी से आ सकती थी। जैसा कि सिलेबस में बीएससी के कुछ टॉपिक्स भी थे ग्रेजुएशन के, और 3D भी थी। 3D का एक बहुत ही ईजी का क्वेश्चन आया था कि स्पेयर का रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ स्पेयर x² प्लस y² प्लस z² माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो हमने देखो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ स्पेयर एज्यूम किया है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। तो वहाँ पे अगर ये स्पेयर की इक्वेशन मानते हैं तो रेडियस होगी u² प्लस v² प्लस w² माइनस d, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन ऑफ स्पेयर दी गई थी उसको इक्वेशन ऑफ स्पेयर जो हम लोगों ने एज्यूम किया उससे कंपेयर किया गया। तो अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2u है, तो 2u बराबर -1, तो u बराबर -1/2। सिमिलरली जैसा u निकाला है वैसे v, w और d निकाल सकते हैं हम लोग। अब हमने v u v w की वैल्यू निकाल ली है, तो उस फॉर्मूला रखेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर -1/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 तो √3/4 दैट इज √3/2 दैट इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी। 3D पर वैसे एक बहुत ही ईजी सा आसान सा क्वेश्चन था कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, डीसीज हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आपको बताना था। तो जैसे कोई सपोज आर वेक्टर लेते हैं हम लोग xi प्लस yj प्लस जेड के, तो मॉड ऑफ आर जो होता है रूट के अंदर x² प्लस y² प्लस z²। अगर हम माने फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड x एक्सिस, x एक्सिस का मतलब है i कैप, तो cos अल्फा जो होगा वो xi प्लस yj प्लस zk डॉट i अपॉन दिस मॉड ऑफ दिस xi प्लस yj और प्लस zk और मॉड ऑफ i। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, जब इसका डॉट इससे करेंगे तो एक्स अपॉन मॉड आर दैट इज। तो यही इसको बोलते हैं एल। एम होता है कॉस बीटा वाई अपॉन मॉड आर, और एन होता है एल एम एन कॉस गामा जेड अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट एक्स वाई जेड, एक्स को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, वाई को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, जेड को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन मिल जाएंगे। अगर हम इनको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर दें, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो गया 1। तो मतलब ये हो गया आंसर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो हुआ वो 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इन सारे वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा 1 1 1 3 और 3 में से 1 गया 2। तो आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इससे हमने डीसीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि कैसे डीसीज़ डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फार्मूले पे बेस्ड था। इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 5, 7 इन द प्लेन 2x + y + z = 6। तो हमने देखो यहाँ पे एक फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला इसका है कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज, मान लो सपोज ये प्लेन है हमारा, आपका ये प्लेन है और कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का प्लेन पर इमेज, उसका इमेज क्या बनेगा वो, तो ठीक है, लाइन के अबाउट इमेज। तो इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो आएगा, ठीक। तो यहाँ पे द इमेज ऑफ द पॉइंट x1, y1, z इन द प्लेन, ठीक है, ax + by + cz + d = 0। तो फार्मूला है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, -2ax1 + by1 + cz1 + d/a2 + b2 + c2। यहाँ एक्स वाई जेड निकाल लें, x1, y1, z1 दिया गया, प्लेन दिया गया, सीधे इसको अप्लाई करेंगे। देखो कैसे किया, x - x1, तो ये जो पॉइंट दिया गया है 3, 5, 7, ये हमारा क्या है, ये x1, y1, z, कन्फ्यूजन ना हो। और a क्या है, ये जो हम इसको कंपेयर करेंगे, ax + by + cz + d = 0, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, x1, y1, z1। अब उससे उस फार्मूले को मैच कराते रहिए। तो x - 3 अपॉन देखो कितना आया 2 आ गया, और y माइनस फाइव अपॉन 1, यहाँ पे b कितनी है 1 है, और z - 7 ये 7 पॉइंट है, अपॉन सीधे वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब -2ax1, देखो हमारा ये है 2x + y + z - 6 = 0, और x1, y1, z1 पॉइंट जो है हमारे 3, 5, 7, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें रख देंगे। तो 2 × 3 6, फिर यहाँ पे +1 to 5 और +7 - 6, ये कितना है -6 अपॉन a² + b² + c²। ए बी सी है तो 4 + 1 + 1, इतना आ गया कि नहीं। इसको हमें केवल सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इतना पहले हटा दें हम लोग, क्योंकि हमने बताया था। तो इसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन कितना आएगा -2, ये 6, 6, 5 और 7, तो कितना आएगा 6, 5, 7, 6 से 6 कट गया तो 5, 7, 12, 12 अपॉन कितना आया 6 आ गया, तो ये 2 हो गया, तो -4 हो गया। अब बारी बारी से बराबर कर देंगे, x - 3 अपॉन 2 बराबर -4, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा -8 और +3, तो -3 आ जाएगा कि नहीं। ऐसे वहाँ कर देंगे तो -4 सिंपल, ये y - 5 अपॉन 1 बराबर -4, तो y बराबर -4 + 5, तो 1 आ जाएगा। ऐसे z आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, तो z 3 आ जाएगा। तो इमेज पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे -5, 1 और ये -4 + 7, 3, तो ये हमारे आ गए इमेज, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस डी और वेक्टर ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, ये दिया गया है। और हमें बताना है कि ए डी आर पैरेलल टू बी सी, ऐसा एज अ रिजल्ट था कि क्या ये इसको पैरेलल है या नहीं है, मतलब प्रूव करना है कि ए डी और बी सी पैरेलल हैं। जबकि दिया गया है कि पॉइंट्स ए बी सी डी जिनके पोजिशन वैक्टर ए बी सी डी हैं, मतलब यहाँ दिखाया हमने कि ए बी सी पॉइंट डी पॉइंट है, तो ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ बी को बी से, ओ सी को सी से, ओ डी को डी से, इन सारे पॉइंट्स के पोजीशन वैक्टर दिए गए हैं। अभी अगर पैरेलल इसको दिखाना है तो पैरेलल तब वेक्टर तभी होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, जीरो। अब हमने ए डी को ओ डी माइनस ओ ए और बी सी को ओ सी माइनस ओ बी लिखा। अब इनके पोजीशन वैक्टर्स रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं, तो ओ डी की जगह डी माइनस ए और ओ सी की जगह सी माइनस बी कर दिया, क्रॉस किया, देखो डी क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस बी। अब देखो डी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये वाला ए क्रॉस बी यहाँ पे दिखा देते, ये वाला और ये वाला हमने साथ में रखा है इसको यहाँ पे, और इन दोनों को हमने साथ में रखा ये ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर हो गए। हमने देखो ए क्रॉस बी वाला ये यहाँ रिजल्ट यूज़ किया, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी कर दिया, इसको ऐसे रखा, यहाँ पर रिजल्ट यूज़ किया। अब ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी है, तो ये भी रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया जो रिजल्ट दिया गया था, माइनस बी डी क्रॉस बी ऐसे रहने दिया। अब देखो इसको इसको लिखा ए क्रॉस बी के जगह रिजल्ट यूज़ किया था, अब इसको सी क्रॉस डी और इसको डी क्रॉस सी को माइनस सी क्रॉस डी लिख सकते हैं, और इसको बी क्रॉस डी लिखा रहने दिया, इसको पलटा तो प्लस बी क्रॉस डी हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो जीरो हो गया। जैसे ये कोई भी वेक्टर अगर बोला गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, तो वो दो बातें अगर आपने प्रूव कर दी कि वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो पहला स्टेटमेंट, या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दिया, तो आपने क्या किया, ये पैरेलल तभी हो सकते हैं जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला, जीरो। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमने जीरो कर दिया, तो यानी कि यही दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। ऑप्शन आप मैच करा लेंगे। पेपर बहुत ही देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल था, अच्छे क्वेश्चंस थे, पेपर में समय कम था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक मेन सा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा जा रहा है कि समय को कम रखा जा रहा है, प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादातर बच्चों को एडवाइस किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके मॉक दें, हमेशा टेस्ट पेपर पर ज़्यादा फोकस करें, और आगे हम लोग इसी तरीके से आगे आपके साथ बने रहेंगे। आप भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई भी लगता हो कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, आप ज़रूर मावला क्लासेस पर अपनी बात पहुंचाइए, हम लोग वहां पर आपकी सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर देंगे। ओके।